हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज बात कर लेते हैं कि अगर आपको कंपनीज में ईमेल भेजने हैं तो आपको ईमेल कैसे अट्रैक्टिव बना के भेजना है, ताकि क्योंकि कंपनी है और आपके जैसे जैसे आप ईमेल भेजते हैं ऐसे ही सेम 100 और लोग 200 300 यानी कि काफ़ी लोग ईमेल भेज रहे हैं सेम कंपनी में सेम जॉब को अप्लाई करने के लिए। अब सामने आप भी मेल भेजते हैं उसको और एक दूसरा बंदा भी भेज रहा है। अब वो बंदा जो सामने जो हायर कर रहा है, जो एचआर है या जो भी क्रू मैनेजर है व्हाटएवर, वो आपको क्यों सिलेक्ट करे या उसको क्यों ना सिलेक्ट कर ले, ये बात आती है। तो ईमेल में अब उसको देखना है, वो जो बंदा सामने है वो ईमेल में उसको क्या पता चलेगा, बेसिकली उसको ये नहीं पता आपने पढ़ा कितना है, कितना आपकी या आप उससे स्मार्ट हैं या नहीं है, आप देखने में अट्रैक्टिव हैं या नहीं है, ये सब कुछ मैटर नहीं करता है। फर्स्ट इम्प्रेशन आपका जो पढ़ना है वो आपके ईमेल से पढ़ना है, आपने ईमेल को लिखा कैसे है उसमें मैटर क्या है, जिस वजह से वो आपको सिलेक्ट करेगा और उसको नहीं सिलेक्ट करेगा। तो आज मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तो बेसिकली आपको क्या करना है, आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं पहले आप ईमेल खोलते हैं, तो उसका ईमेल जहाँ भी भेजना है, ईमेल लिखने के बाद वहाँ पे सब्जेक्ट में आपको लिखना होता है सीवी फॉर ओएस या सीवी फॉर वाइपर, या आप जिस भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए आप लैंड जॉब कोई भी, सीवी फॉर सेफ, सीवी फॉर कुक, जो भी आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं आपको वो वहां पे लिख देना है सीवी फॉर ओएस मान लीजिए। उसके बाद नीचे आपको लिखना है सब्जेक्ट में, नीचे जो आपको लिखना है नीचे जहाँ पे पूरा मैटर आपको लिख देना है वहाँ पे लिखना है, जैसे कि गुड मॉर्निंग मैम स्लैश सर, उसके बाद आपको पूरा मैटर लिखना है माय नेम इज इतना, मतलब माय नेम इज लाइक मोहम्मद साकिब, आई एम अप्लाइंग फॉर फॉर दिस रैंक इन योर कंपनी, इन योर गुड कंपनी, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, आई अटैच माय सीवी, यू नो यू हैव टू अटैच वन सीवी, आपको एक सीवी भी अटैच करनी है। ऊपर जो ऑप्शन होता है ईमेल में आपने देखा होगा, वहाँ से अटैच पे जाके आपको अपनी जो सीवी है उसको अटैच करना है, अपने रिज्यूम को अटैच करना है वर्ड डॉक्यूमेंट्स में, डॉक्यूमेंट्स में अटैच करना है, पीडीएफ फाइल में नहीं। उसके बाद आपको वहाँ पे पूरा लिखना है थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, आई विल ऑलवेज रीचेबल ऑन योर कॉल और योर ईमेल, ऑन माई कॉल ऑन माई ईमेल, थैंक यू सो मच। ये सारा जो भी मैटर है, ये मैटर मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ, आप देख लीजिए, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो ये सारा मैटर मैं डिस्क्रिप्शन में सेम कॉपी कर दे रहा हूँ। आप एज इट इज जैसा है उसको वहाँ पे जस्ट अपना नाम और अपना रैंक जिस रैंक के लिए अप्लाई कर रहे हैं और अपना डिटेल वहाँ पे जस्ट फिलअप करके कहीं पे उसको कॉपी करके जहाँ भी आपको मेल करना है, किसी भी कंपनी में, मर्चेंट नेवी की कंपनी हो, किसी लैंड जॉब के कंपनी के लिए हो, किसी भी कंपनी के लिए हो, आप जस्ट उसको वहाँ पे अपना सारा जो है नाम वगैरह, अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल एड्रेस डाल के आप उसको आगे कॉपी पेस्ट करके आप उसको किसी भी कंपनी में फॉरवर्ड कर सकते हैं। आई होप कि जो चीज़ें अगले 100 बंदे नहीं कर रहे हैं आप उनसे थोड़ा डिफरेंट करेंगे, तो डेफिनेटली अगर उनको रिक्वायरमेंट है, अगर उनको ज़रूरत है बंदों की, तो वो आपका मेल एक बार देखेंगे जब, तो फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन, तो वो डेफिनेटली आपको कॉल करेंगे कि हाँ भाई ये बंदे ने कुछ लिखा है, इसको कुछ नॉलेज है। अब वो आपको ज़रूर कॉल करके अप्रोच करेंगे जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए, या जो भी उनका प्रोसेस है वो आपको ज़रूर यू नो कॉन्टेक्ट करेंगे। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, फिर कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो और प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड टेल टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो। ओके, थैंक यू सो मच।